हेलो एवरीवन, दिस इज चैप्टर 19 एडवर्ब्स फ्रॉम योर ग्रामर बुक. सो व्हाट आर एडवर्ब्स? एडवर्ब्स इन हिंदी आर कॉल्ड क्रिया विशेषण. एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन. हियर द डेफिनेशन हैज बीन रिटन, एन एडवर्ब इज अ वर्ड. एडवर्ब क्या होता है? एक वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड होता है दैट डिस्क्राइब्स, जो कि वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है अ वर्ब, एक काम को, एक क्रिया को. तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इट टेल्स अबाउट हाउ एन एक्शन इज डन. ये हमें बताता है कि किस तरह से कोई काम होता है. These are four kinds of adverbs. There are four kinds of adverbs. इस चैप्टर में, आपके क्लास में हम बात करने वाले हैं एडवर्ब्स के फोर काइंड्स की, चार प्रकार की हम बात करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर. फर्स्ट वाले को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, एंड सेकेंड वाले को हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं, एंड थर्ड को हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एंड फोर्थ वन को हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं. Here some pictures have been given. In these pictures, you can see some examples have been written. The bird sings sweetly. Pakshi, मतलब चिड़िया, मधुर गाती है. तो action है हमारा, verb है sing. और ये verb किस तरह से हो रही है, इसके होने का way क्या है? Way है sweetly. ये गीत मधुर गाती है. तो गाने का जो तरीका है वो है मीठा, वो है मधुर. तो इसलिए यहाँ पर जो स्वीटली लिखा है ये एडवर्ब हुआ. द लाइन रोड फियर्सली. शेर जोरदार दहाड़ा, जमकर दहाड़ा. फियर्सली का मीनिंग होता है जमकर, जोरदार, प्रचंड रूप से, भयानक तरीके से, उग्र होकर शेर दहाड़ा. तो यहाँ पर शेर कैसे दहाड़ा? तो शेर का दहाड़ने का जो तरीका है वो फियर्सली हमारे लिए यहाँ पर एडवर्ब है. मीता एंड हर फ्रेंड सैंग जॉयफुली. मीता और उसकी दोस्त सैंग मीन्स गा रही हैं. सैंग यहाँ पर वर्ब है, जॉयफुली का मतलब है प्रसन्नतापूर्वक गा रही है, खुशी खुशी गा रही हैं. तो यहाँ पर जो जॉयफुली है ये हमारे लिए एडवर्ब है. इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब की, विच इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर. मैनर का मीनिंग होता है वे या तरीका. सो उसका डेफिनेशन भी इसी तरह से है. एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स डैट टेल, जो बताते हैं द वे, तरीका बताते हैं, द एक्शन इज डन, कि जिस तरह से कोई काम होता है, और द वे पीपल डू थिंग्स, या फिर जिस तरह से लोग काम करते हैं, आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर. वो सभी हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं. इसका मतलब हुआ कि वो सारे एडवर्ब्स जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो किस तरह से हो रही है. जैसे कि आप एग्जांपल्स में देखिए, यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. द कैट रैन क्विकली. बिल्ली तेज़ी से दौड़ी. तो बिल्ली कैसे दौड़ी है, तरीका क्या है दौड़ने का? क्विकली, तेज़ी से. तो ये हमारे लिए एडवर्ब ऑफ मैनर होगा. द कार रन्स फास्ट. कार तेज चलती है. तो फास्ट यहाँ पर उसका वे है चलने का, तो फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. ललिता राइट्स नीटली. ललिता साफ सुथरा लिखती है. तो नीटली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है. इसके बाद हम नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब की बात करेंगे. ये है हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिसको हम कहते हैं समय का विशेषण, यानी कि वो विशेषण जो कि टाइम को एक्सप्रेस करेगा. तो इसका डेफिनेशन भी इसी तरह से लिखा है. एडवर्ब्स दैट टेल व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन वाज डन. एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि कोई भी जो एक्शन है, जो क्रिया है, वो कब हुआ था या फिर वो किस समय हुआ था. ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं सुबह को जल्दी उठ गया. तो मैं कब उठा? अर्ली उठा, जल्दी उठा. तो यह एक्शन जल्दी हुआ है, तो ये टाइम है. तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा. आई एट पॉपकॉर्न्स यस्टरडे. मैंने कल पॉपकॉर्न खाए थे. तो यहाँ पर यस्टरडे टाइम है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया. हैरी गॉट लेट. हैरी लेट हो गया था, देरी हो गई स्कूल के लिए. तो
टाइम है यहाँ पर लेट, तो यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब की, दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब होता है जगह, स्थान। सो द डेफिनेशन हैज बीन रिटन, एडवर्ब्स वो एडवर्ब दैट टेल, जो हमें बताते हैं वेयर, कहाँ एन एक्शन वाज डन, के एक्शन कहाँ हुआ था और परफॉर्म्ड या किया गया था, आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जिनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब ये हुआ कि वो सारे एडवर्ब्स जो हमें ये बताएंगे कि एक्शन हमारा किस जगह पे हुआ है या किस जगह पे परफॉर्म किया गया है, वो जो प्लेस होगा वो प्लेस ही हमारे लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा या एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। एज यू कैन सी सम एग्जांपल्स हैव बीन रिटन हियर, मोहन एंड हिना प्लेड हियर, मोहन और हिना यहाँ खेले, तो यहाँ पर हियर ये प्लेस है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा। वी कैन सी द शिप सेलिंग फ्रॉम फार, हमने देखा कि जहाज जो है वो बहुत दूर तक, हमने दूर तक देखा, हम देख सकते हैं कि एक जहाज़ क्या है, बहुत दूर को जा रहा है। यहाँ इस पिक्चर में देखिए एक जहाज़ है, आप देख सकते हो कि जहाज़ दूर को जा रहा है। वी कैन सी द शिप सेलिंग फ्रॉम फार, तो जहाज़ कहाँ से सेलिंग कर रहा है, दूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फार वर्ड है ये हमें प्लेस बता रहा है कि जहाज़ है वो दूर से सेलिंग कर रहा है। सेल का मतलब होता है नाव, किसी भी जहाज़ है नाव का चलना, उसको हम सेल कहते हैं। द माउस रैन अवे फ्रॉम द कैट, चूहा भागा, रैन अवे दूर भागा, फ्रॉम द कैट बिल्ली से, तो जो चूहा है वो बिल्ली से दूर भागा। तो जो यहाँ पर दूर वर्ड है ये प्लेस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अवे जो हुआ वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। इसके बाद आप बात करेंगे एडवर्ब डिग्री की, तो एडवर्ब डिग्री, डिग्री का मतलब होता है एक्सटेंट यानी कि हद, यानी कि मात्रा, क्वांटिटी। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें ये बताता है कि कोई भी जो एक्शन हुआ उसकी इंटेंसिटी क्या थी होने की या उसकी डिग्री क्या थी होने की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री दैट टेल्स अस अबाउट द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि वो सारे एडवर्ब जो हमें ये बताएंगे कि कोई भी जो वर्ब हुआ है उसके होने का एक्सटेंट क्या था, वो किस इंटेंसिटी तक हुआ है, या फिर कोई भी जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, या उसकी जो उसका जो लेवल है उसकी जो डिग्री वो कितनी है, या फिर ऐसे किसी दूसरे ही एडवर्ब की हम इंटेंसिटी को बताने के लिए भी एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज़ करते हैं। तो हियर यू कैन सी द लोटस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, जो लोटस होता है वो बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है, फूल होता है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के बारे में हमने और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, वो है वेरी, तो फूल जो कमल जो है वो बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर जो वेरी वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसके बाद दीज मैंगोस आर ऑलमोस्ट राइप, ये जो फल हैं वो लगभग पके हुए ही हैं, ऑलमोस्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ऐसे ही इस तरह से इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंड है, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली जो टर्म यूज़ हुआ ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए, इसकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इस चैप्टर को आप समझ लें, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं से कोई आपको डाउट हो, वो आप मुझसे पूछकर क्लियर कर सकते हैं।